आज हम आपको बताने जा रहे हैं जापान की अपकमिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जो बहुत ही ज्यादा यूनिक है। जी हाँ, हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आपके ही दिमाग से आपकी कार चलेगी। ये तो आप सब जानते हैं कि जापान की टेक्नोलॉजी सबसे आगे ही रहती है, और बता दें कि अभी तक तो देश दुनिया में ड्राइवरलेस कार टेक्नोलॉजी और उनके फ्यूचर के बारे में लोग बातें ही कर रहे थे। वहीं एक कार कंपनी इससे कई कदम आगे जाकर कार ड्राइविंग की सबसे अनोखी टेक्नोलॉजी लेकर दुनिया के सामने आ रही है। जी हाँ, बता दें कि जापान की फेमस ऑटोमोबाइल कंपनी निशान जल्द ही कार ड्राइविंग की एक ऐसी तकनीक लेकर आ रही है जिसमें कार में बैठा व्यक्ति अपने हाथों और पैरों से नहीं बल्कि अपने माइंड के इशारे भर से कार को ड्राइव कर लेगा। जी हाँ, ब्रेन जब व्हीकल तकनीकी से कार चलेगी दिमाग के इशारे पर। ये तो आप सभी जानते हैं कि अनोखी और चौंकाने वाली तकनीकी को तैयार करने के मामले में जापानियों का वाकई कोई भी जवाब नहीं है। वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अमेरिका से लेकर जर्मनी एक तमाम देश सालों से ड्राइवरलेस कारों की सड़कों पर लाने को तुले हुए हैं, लेकिन कुछ ही देशों में सफल टेस्टिंग के अलावा दुनिया के किसी भी शहर में ड्राइवरलेस कारें कामयाब नहीं हो सकी। जबकि अब जापान की आपको बता दें कि मशहूर कार निर्माता कंपनी निशान ने एक तकनीक को पेश कर दिया है जिसके तहत दुनिया में कार और बाकी छोटे वाहनों की चलाने का तरीका बदल जाएगा। इस तकनीक के साथ आने वाली कार इतनी स्मार्ट होंगी कि स्टीयरिंग के बिना सिर्फ कार चलाने वालों के दिमाग को रीड करके कार को सड़कों पर दौड़ाएगी। आम भाषा में इस तकनीक को सोच कर कार चलाना कहा जाता है। लॉस वेगास के इलेक्ट्रॉनिक शो में पेश होगी ये तकनीक। बता दें कि निशान कंपनी B2B नाम के इस तकनीक से लैस कार को अगले हफ्ते अमेरिका के लॉस वेगास में होने वाले इंटरनेशनल कंज्यूमर शो में पेश करने वाली है। कंपनी के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेजेंटिव का दावा है कि B2B तकनीक दुनिया में अपनी तरह की पहली तकनीक है जो दिमाग के संकेत को रियल टाइम से पहचान करके वाहनों को चलाएगी। चलिए बताते हैं ऐसे चलेगी दिमाग की संकेतों से कार। निशान मोटर्स की ओर से कार ड्राइविंग की इस नई तकनीक को लेकर बताया गया है कि इसमें कार के ड्राइविंग सीट पर बैठा व्यक्ति अपने सिर पर माइक्रोसेंसर लेस एक छोटी सी कैप लगाएगा। ये कैप हर सेकंड ड्राइवर की ब्रेन मैपिंग करेगी और उसके निकलने वाले संकेतों यानी कि मैसेजेस को इस हाईटेक कार को भेजेगी, और यही तरीका कार को सड़क पर दौड़ाएगा और कार चलाने को लेकर दिमाग में चल रही हर एक वेब एक्टिविटी को ये ब्रेन सेंसर रियल टाइम में ट्रैक करेगा। कार में लगा ऑटोनोमस ड्राइविंग सिस्टम इस सिग्नल को प्रोसेस करके कार को ड्राइव करेगा। ड्राइवर से बेहतर तेजी से कार कंट्रोल करने में कैपेबल है। जी हाँ, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि ब्रेन से कार तक इन संकेतों को पहुंचने में तो काफी ज्यादा समय लगेगा, तब तो चल चुकी कार और एक्सीडेंट तो कभी भी हो सकता है। तो आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कार में मौजूद ऑटोनोमस ड्राइविंग सिस्टम ड्राइवर के दिमाग से निकलने वाले वेब सिग्नल्स को बहुत तेजी से प्रोसेस करके रोड पर बिल्कुल सही डिजाइन लेने की क्षमता रखता है। यही नहीं, ये BV2 कार तकनीक इस ड्राइवर के तुलना में 0.2 से 0.5 सेकंड तेजी से कार को कंट्रोल और हैंडल कर सकती है। पलक झपकने से पहले ही ये तकनीक कार को मोड़ या धीमा कर सकती है। एक ही बटन दबाते ही बदल जाएगा कार का इंटीरियर। जी हाँ, ये भी बहुत ज्यादा खास बात है, ये भी एक टेक्नोलॉजी है। आपने देखा होगा कि जेम्स बॉन्ड सीरीज की कई फिल्मों में कि उनके कार का इंटीरियर एक बटन दबाते ही चेंज हो जाता है। दिग्गज और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी BMW इसे आम आदमी की कार तक पहुंचाने की कोशिश में जुटी रहती है और जुटी हुई है। वो एक टेक्नोलॉजिकल या इंटरनेशनल डिजाइन सेंटर के साथ हवा की मदद से आकार बदलने वाला एक मटेरियल बना रही है। इसका डेमो आप लंदन की B&A म्यूजियम में देख सकते हैं। बैटरी चलने वाली कारों में बैटरी बहुत ज्यादा स्पेस लेती है और इन्हें बार बार चार्ज भी करना पड़ता है। वैसे इससे निपटने के लिए यूरोप में कुछ कंपनियां
एनर्जी स्टोरिंग बॉडी पैनल्स बनाने के लिए काम कर रही हैं। आपको बता दें कि ये बॉडी पैनल एनर्जी स्टोर करने के साथ ही बहुत जल्द चार्ज भी हो जाएंगी। इससे एक कार का वजन भी 15% तक घट जाएगा। बता दें, सबसे खास बात ये है कि एक कार दूसरी कार से कम्युनिकेट करेगी, यानी कि बात करेगी। सैन फ्रांसिस्को की डिजाइन फर्म ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है जिसके जरिए सेल्फ ड्राइविंग कारियां आपस में बात कर सकेंगी, और इस तरह से ये कारें व्हीकल क्रैश चुनने या ट्रैफिक और लोगों से टकराने से बच सकेगी। सीट बेल्ट की जगह लेंगी मैजिक ब्लैंकेट। शिहान डिजाइन फर्म बॉक्स कलवर ऐसे मैजिक ब्लैंकेट बना रही है जो किसी एक्सीडेंट में आपको चोट लगने से बचाएंगे। ये डिवाइस आपको पूरी तरह से पैक कर देगा ताकि आपको कम से कम नुकसान पहुंचे, यानी कि फ्यूचर में आपको सीट बेल्ट पहनने की कोई भी जरूरत नहीं रहेगी और ना ही इस बात की फिक्र रहेगी। एग्यूमेंटेड रियलिटी हेड। अब डिस्प्ले टेक्नोलॉजी की मदद से विंडस्क्रीन पर ही आपको स्पीड, नेविगेशन और इनकमिंग कॉल की जानकारी मिल जाएगी। इससे अपनी ड्राइविंग पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी आपको, क्योंकि बार बार अपने कंसोल और स्मार्टफोन की निहारने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। सिर्फ कार ही नहीं बल्कि सड़कें भी होंगी स्मार्ट। पिछले कुछ सालों से कुछ लोग स्मार्ट कार के तर्ज पर स्मार्ट रोड बनाने का भी काम कर रहे हैं और उसकी वकालत भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस तरह से लोगों को पहले ही पता चल जाएगा कि उसकी तरफ आ रही कार किस ओर जाएगी, और सड़कों को ऐसी टेक्नोलॉजी से बनाया जाएगा जो कारों से डिजिटल बात कर सके, आप लोगों से भी बात कर सके। जैसे कि हमने आपको बताया कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, और जापान, जर्मनी और अमेरिकन जैसी टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा फास्ट है और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। कुछ ना कुछ नए नए तकनीकों से वो काम करते जा रहे हैं। जैसे हमने आपको बताया कि कैसे कार टेक्नोलॉजी और ऑटोमेटिक सीट बेल्ट, ऑटोमेटिक आपके फोन का आंसर देना, ऑटोमेटिकली आपकी चेंजेस हो जाने साइड्स में, आपको एंगल्स पता चल जाना है कि इस साइड आपको जाना है, किस साइड नहीं जाना है, एक्सीडेंट को पता चल जाना। जी हाँ, सबसे खास बात तो ये है कि जब आपको पता चल जाएगा कि किस जगह जाने से एक्सीडेंट होगा, किस जगह नहीं, तो ये सबसे ज्यादा खास बात है। इससे एक्सीडेंट जितने ज्यादा कम होंगे उतना ही अच्छा रहेगा। ऐसी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो काफी ज्यादा सुकून सा मिलता है। जी हाँ, जब ऐसी टेक्नोलॉजी आती है सामने तो दिल बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वहीं जापान की टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा हटकी और यूनिक होती है। जापान की टेक्नोलॉजी की जितनी ज्यादा बात की जाए उतनी ही कम है, क्योंकि दिग्गज कंपनियों में से एक निशान कंपनी अलग अलग टेक्निक के हिसाब से कार तैयार करती रहती है। उनमें से ही ये कार काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि जब दिमाग से कार चलेगी तो अपने दिमाग को काफी ज्यादा शांत और शार्प रखना पड़ेगा। जितना ज्यादा दिमाग शांत रहेगा और एक्टिव रहेगा उतनी ही आपकी कार सेफली और सिक्योरली घर जाएगी। जैसे ही हमने बताया अपकमिंग टेक्नोलॉजी के बारे में, रोड टेक्नोलॉजी जो कि काफी ज्यादा खास है। जी हाँ, रोड टेक्नोलॉजी, अगर रोड भी आपके हिसाब से बन जाएगी, आपके हिसाब से आपको रिप्लाई करेगी, एक्शन करेगी, तो वो काफी ज्यादा यूनिक बात है। लेकिन सभी तकनीकों के पीछे एक बात तो छुपी हुई है कि सबसे ज्यादा आगे टेक्नोलॉजी के मामले में जापान चल रहा है। जी हाँ, जापान की टेक्नोलॉजी के मामले में हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो हर चीज में सबसे आगे रहता है। चाहे वो मेट्रो की बात हो, चाहे वो ट्रेन की बात हो, चाहे वो फोन, चाहे वो किसी भी चीज की बात हो, जापान की टेक्नोलॉजी दिन पर दिन आगे बढ़ती जा रही है। उसमें से एक ये टेक्नोलॉजी है दिमाग से चलने वाली कार। जी हाँ, इसकी इमेज आप हमारे इस देख पाएंगे कि कितनी ज्यादा शानदार लग रही है। बिल्कुल ही पता चल रहा है कि सच में ये दिमाग से ही चलेगी, क्योंकि ब्रेन का जो उसका स्ट्रक्चर दे रखा है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसके फीचर्स भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होंगे जब ये बाहर आएगी, जब इस पे काम स्टार्ट हो चुका है वैसे तो, लेकिन देखना होगा कि कितनी जल्दी ये बाहर आती है, ऑन रोड होती है कितनी जल्दी, क्योंकि जितनी जल्दी जापान में आएगी उतना ही वक्त लगेगा इसको भारत में आने में। लेकिन जहां तक देख सकते हैं हम लोग, ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और खास लग रही है। नेक्स्ट 9 टेक की रिपोर्ट।